विलीकरण की मांग पूरी नहीं होने के विरोध में एसटी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर आंदोलन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने एसटी कर्मचारियों से पीछे हटने का अनुरोध किया, लेकिन कर्मचारी पीछे नहीं हटे। शुक्रवार को शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पर एसटी कर्मचारियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में खुद सांसद सुप्रिया सुले आ गए। उन्होंने कहा कि मैं सभी प्रदर्शनकारियों से चर्चा के लिए तैयार हूं। पत्थर फेंकने और सैंडल फेंकने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सुप्रिया सुले ने सभी को शांत रहने का आह्वान किया। बता दी कि शरद पवार के आवास के बाहर पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। मुंबई पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन स्थल पर पहुंचे। हालांकि इस दरमियान प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार और अजीत पवार के खिलाफ कर नारेबाजी की। पुलिस कर्मचारी आमचे बलिदान झाले, याला एकमेव कारणीभूत आहेत शरद पवार साहेब, कारण यांची संघटना या एसटी महामंडळामध्ये गेली 25 वर्ष राज्य करत आहे आणि त्यांच्यामुळे आमच्या एसटी कर्मचाऱ्यांची ही गळत आहे, त्यामुळे त्यांचा अधिकार असो निकार असो अधिकार असो। हे बघा, हे चोरांचं सरकार, इथले वयोवृद्ध पुढारी शरदचंद्र पवार हे एसटीच्या कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येस पूर्ण जबाबदार आहेत। चार मनुष्यवधाचा गुन्हा दरा करा। हे चोरांचं सरकार आहे, हे चोरांचं सरकार आहे। आमच्यावर अन्याय होतो दिसत नाही का? महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये आमचा वाटा आहे, आमचा। आम्ही महाराष्ट्रातले बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।